लोगों को मेरी टीम को देता हूँ. थैंक यू फॉर कमिंग ऑल्सो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में. हम लोग बहुत चाहते थे आप लोगों से मिलना एक्चुअली, क्योंकि फिल्म से पहले हम लोग ऐसी ऐसी बात जो थे जो नहीं कर पाए थे. और मिस्टर बच्चन का ये हम लोगों से जब डिस्कशन हो रहा था मार्केटिंग में, हम लोग चाह रहे थे कि बहुत जगह जाएं और मिलें और प्रमोशन जो नॉर्मली होता है. सो हमने डिसाइड किया था कि इसमें हम जाएंगे नहीं, फिल्म देखने के बाद सबको बुलाएंगे और फिर शायद हम लोगों को बात करने में ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि ये फिल्म थ्रिलर है और उसके बारे में हम पहले नहीं बात कर सकते. सो सबसे पहले मैं आप जितने भी मीडिया के लोग हैं और क्रिटिक्स हैं, रिव्यू हैं, एडिटर्स हैं, कैमरामैन हैं, सबको मैं मेरे पिंक टीम की तरफ से आई जस्ट वॉन्ट टू रियली थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आपने इस तरह से इस फिल्म को जो तोला है, इस फिल्म को जो अपने सर पे रखा है, मैंने ऐसा जिंदगी में नहीं देखा है. किसी अनप्रेसिडेंटेड इतना प्यार, मतलब जस्ट ओनिंग अप अ फिल्म एज देयर ओन फिल्म, आई मीन आई कैन नॉट इमेजिन द काइंड ऑफ रिएक्शंस. मैं तो इमोशनल हो जाता हूँ. थैंक यू इसके लिए. ये हमारी पूरी टीम है. मैं इंट्रोड्यूस क्या करूँ, लेकिन ऐसे लोग जिनको आपने देखा नहीं है, मैं उनके बारे में थोड़ा सा बना देता हूँ. सबसे इम्पोर्टेंट जिन्होंने इस फिल्म में, जो मेरे हीरो हैं इस फिल्म के, और मेरे हर फिल्म के हीरो जो है मेरे राइटर होते हैं, उनका नाम है रितेश शाह. अगर आप जानते हैं, मेरे डायरेक्टर फ्रॉम कोलकाता अनिरुद्ध रॉय चौधरी, और ऐसे लोग जिनको शायद आप नहीं देखेंगे, सामने कभी नहीं दिखता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनकी वजह, उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, क्योंकि मैंने अपनी जितनी फिल्में की हैं और पिंक में जो भी काम किया है. मेरे कास्टिंग डायरेक्टर जो हैं वो हैं जोगी हैं, बहुत अच्छा करते हैं. और हॉल से निकल के सब एक ही आदमी एक ही के लिए पहले सबसे पहले पूछते हैं कि वो SHO जो महिला जो पुलिस ऑफिसर थी वो कौन थी. वो हैं हमारी ममता, वो हमारी कास्टिंग डिपार्टमेंट की हैं. हमको लगा कोई नहीं मिला, चल तुम कर लो यार. तो ऐसा हुआ था इनकी कास्टिंग. और एक चीज़ जिसके लेके सब पूछ रहे हैं कि ये कैसे हो गया, ये पोएट्री किसने लिख दी है कि तू खोज में निकल. उनका नाम है वन ऑफ द फेमस नोन आई मीन लिटरेचर सेक्टर में और जो वो काम करते हैं, उनका नाम है तनवीर गाजी. मैं इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त जो काम किया है. मेरे इस फिल्म का जो है, सब लोग बोलते हैं फिल्म बनती कहाँ है, फाइनली फिल्म जो बनती है वो एडिटिंग टेबल में जाके बनती है. एंड मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि ऐसे एडिटर से मेरी मुलाकात पहली बार हुई, एंड मैं कितना प्रिविलेज्ड एंड ऑनर हूँ कि इस आदमी के साथ मैंने काम किया. उनका नाम है बुद्धदित्ता, फर्स्ट हिंदी फिल्म फ्रॉम कोलकाता. और बाकी सब लोग को जानते हैं, शांतनु, रॉनी मेरे प्रोड्यूसर हैं, रश्मि हैं, और मैं बाकी लोगों का क्या बताऊँ. मैं आपसे एक चीज़ बस बोलूँगा. आई नो आप लोगों के पास बहुत सवाल हैं, आप मिस्टर बच्चन को अभी छोड़ने वाले नहीं हैं मुझे मालूम है, लेकिन आप अगर इस तरह से एक अच्छी फिल्म, एक कंटेंट वाली जो फिल्म, जिसको आप लोग टर्म दे दिया है कंटेंट वाली फिल्म, पता नहीं ये टर्म क्यों दे दिया है, फिल्म तो कंटेंट ही होता है, इसमें क्या नहीं होता मुझे समझ में नहीं आता है. आपने इस तरह से ही उसको आप लोग सहारे, इस तरह से ही उसको अपनाएं, और ऐसी ही फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप लोग साथ देंगे तो मुझे नहीं लगता है कि जिस कभी कभी जिस फिल्म इंडस्ट्री की बदनामी भी हो जाती है, उसकी बदनामी कभी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऐसा ऑप्टिमिज्म रहेगा. सो प्लीज़ आप लोग इसको सहारते रहेंगे. और एक चीज़, लास्ट चीज़ बता रहा हूँ, ये मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. आप मालूम है ये फिल्म बहुत अच्छा कर रही है, वॉट एवर, मैं एक सवाल बोलूँगा, आप लोग नहीं पूछे, स्पेशली मेरे से नहीं पूछे और मेरे टीम से नहीं पूछे तो मैं थैंकफुल रहूँगा. इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस के बारे में मत पूछिएगा प्लीज़. ये फिल्म मेरे लिए बॉक्स ऑफिस के लिए नहीं बनाया था मैंने. अगर बॉक्स ऑफिस के लिए बनाया होता तो मैं ये फिल्म नहीं बना था. तो आप प्लीज़ इस फिल्म की कितनी आमदनी हुई, क्या हुई, हमें इसकी कोई परवाह ही नहीं है, मेरी तो नहीं है एटलीस्ट. मेरे लिए सक्सेसफुल अगर इस फिल्म का है, ये 3 दिन में इसलिए मिल रहे हैं, इस फिल्म का सक्सेस मेरे लिए वो है कि जब एक लड़की रात को 8 बजे अकेले अपने हेडफोन लगा के गाने सुनते हुए घर पहुँच जाएगी अकेले, बिना किसी हिचक के, बिना किसी चिंता के, वो मेरे लिए सक्सेसफुल है. सो तो रिक्वेस्ट करूँगा आप प्लीज़ उस बारे में मत पूछिए, क्योंकि मैं रियली मेरे लिए वो मैटर नहीं करता. बट अदरवाइज थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. और मैं चाहूँगा कि मिस्टर बच्चन कुछ बोले, बिकॉज उनके बिना हम लोग कुछ हैं ही नहीं इस फिल्म में. एंड आई थिंक आई एम सो थैंकफुल कि वो इस तरह से इस फिल्म में
हम सब यंगस्टर्स के साथ, मतलब एक ऐसे यंगस्टर्स के, चलो मैं भी कूद जाता हूँ आज मैदान में, उस तरह से जो एक बिहेवियर, एक एंथुजियाज्म, रियली मैं अप्रिशिएट करता हूँ। आई होप सारे ऐसे ही करें, मैं उनको देता हूँ। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। सारी बातें जो है वो शुजीत ने कह दी हैं। ये जो प्रथा है जहाँ हमको लगा कि हमें आप लोगों से मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, ये मेरी पिछली फिल्म आई थी 3, उस समय हमने इसकी शुरुआत की। कई बार ऐसा होता है कि फिल्म हम लोग बनाते हैं, बनाने से पहले उसके प्रमोशंस में जाते हैं, आप लोगों से मिलते हैं और हाथ जोड़ते हैं, आशा होती है कि आप लोग उसका प्रमोशन करेंगे, लेकिन जब फिल्म रिलीज़ हो जाती है तो आप हमें भूल जाते हैं, हमें आपको भूल जाते हैं। मुझे लगा कि क्यों ना फिल्म रिलीज़ होने के बाद अगर आप लोगों के मन के अंदर कोई ऐसे प्रश्न हो, कोई ऐसी डिबेट करने की विषय हो, तो हमें फिर से आपके सामने आना चाहिए। और क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे देश में ख़ास तौर से फिल्म इंडस्ट्री में डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रथा है वो है नहीं। कई बार ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो हमारे मन में रह जाती हैं, जो आपके मन में रह जाती हैं, कभी बाहर नहीं आ पाती हैं। आप लोग पत्रकार हैं, आप अपने माध्यमों से उसे व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम लोग भी कहना चाहते हैं फिल्म की रिलीज़ के बाद, और उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, आपसे सुनना चाहेंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर देना चाहेंगे, बहस करना चाहेंगे। हो सकता है कि इससे शायद आगे कुछ लोगों का कल्याण हो सके, तो यही वजह थी कि आप लोगों को यहाँ बुलाया। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि जिस तरह से इस फिल्म की प्रशंसा हो रही है वो अद्भुत रही है। कई ऐसे जगहों से, कई ऐसे व्यक्तियों से जिनसे कभी भी पहले कभी कोई संपर्क ही नहीं था, उनसे उनके मैसेजेस आते हैं, उनसे बातचीत होती है, और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जिस विषय से, जिस आशा से हमने इस फिल्म को बनाया था वो कहीं ना कहीं पूरी हुई। बाकी सब यहाँ पर कलाकार हैं, ये भी आपके सामने उपस्थित हैं। हम तो चाहेंगे कि अब आप लोग हमसे प्रश्न पूछें और हम आपका उसका उत्तर दें, बहस करें। बहुत सी अच्छी बातें हैं, बहुत सी जो न बातें अच्छी हों वो भी बोलिए, जो भी आपके मन में हो उसे बोलिए, हम उसका उत्तर देने का प्रयत्न करें। जस्ट एक चीज़, मैं एक जन को और थैंक यू देना चाहता हूँ जो पहली बार अपनी डेब्यू कर रही हैं हिंदी फिल्म में और हमसे आके जुड़ी हैं। वो है बहुत ही फेमस टेलीविज़न की प्रोड्यूसर एंड क्रिएटिव प्रोड्यूसर रश्मि शर्मा। उन्होंने एकदम, मतलब खुले दिल से मेरे को फर्स्ट डे से सपोर्ट किया है, तो मैं उनको भी बहुत आभारी हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि लेट्स ओपन द फोरम एंड देन लेट्स स्टार्ट टेकिंग द क्वेश्चंस एंड देन जो जो होता रहेगा बताते रहेंगे। ऐसे कई फ्राइव से वाकया हुए और समझ में नहीं आया कि उनके साथ हम लोग जूझें कैसे, कैसे उसको स्वीकारा जाए। कोई यार हमारी टांग तो नहीं खींच रहा है, कोई ज़बरदस्ती तंज तो नहीं कर रहा है, ऐसा कई बार होता है। हम लोगों का जीवन ऐसा ही है, हम लोगों को जब ज़्यादा तारीफ कोई कर देता है तो लगता है यार शायद कुछ गड़बड़ हो गया हमसे। तो यही हमारी फीलिंग्स थी, लेकिन जब बार बार उसी चीज़ को वो कहते गए, मानते गए, तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि सचमुच ये जो प्रशंसा है, ये एक सच्चाई है, ये दिल को छू गई है, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मैं कैप्टन ऑफ द शिप से भी, यू नो, फ्यू डिकेड्स, एंड आई थैंक शुजीत टू होल्ड माय हैंड एंड टू हेल्प मी टू डू दिस। आई एम सो, आई एम चोकिंग, एंड आई थैंक ऑल माय कोलैबोरेटर्स, ऑल माय एक्टर्स, एवरीबॉडी, my music director, editor, everybody, my cinematographer, the way they helped me, they were beside me, it's like a family. And this is a very personal venture for us, this is not a commercial venture. And I thank Mr. Amitabh Bachchan to say this word, no means no. And this is enough, and this is end of everything. Yeah, absolutely. Sabko bata, kamyabi humne kabhi sochi nahi thi, mujhe laga, aur jaise ki कई बार हमने अपने इससे पहले जितने भी हमारा परिचय हुआ पत्रकारों से, हमने उनसे यही कहा कि जब शुजीत ये एक सोच लाए हमारे पास, वो विषय ही मेरे लिए प्रबल था। 2-3 मिनट में हमने कहा हाँ इस विषय पे हम काम करेंगे। उस समय मुझे मालूम नहीं था कि मेरा रोल क्या होगा, कहानी कैसी होगी, कौन मेरे साथ काम करेगा, कौन इसे बनाएगा, कौन इसका निर्देशन करेगा। केवल वो सोच जो थी वो अच्छी थी, ख़ास तौर से ये कि कई सालों से, जब से थोड़ी सी
ऐसा माना जाता है कि हमारे दिमाग के अंदर थोड़ी बहुत बुद्धि है अभी भी, तो ऐसा लगा कि ये एक ऐसा विषय है जिस पर मैंने कभी इसको दोबारा नहीं सोचा इसके बारे में. मुझे लगा कि यही सत्य है, यही सच्चाई है जीवन की. और जिस तरह से हमारी परवरिश हुई, हमें ऐसा ही एक ऐसे ही माहौल में हमें रखा गया, हमारी शिक्षा भी ऐसी ही हुई. और जब कभी भी इस विषय के ऊपर हम बातचीत या चर्चा होती थी तो मुझे अजीब सा लगता था. फिर जब एकाध कार्यक्रमों में मैंने भाग लिया जिसमें मैंने इस विषय पर बात की, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण थे मेरे साथ जो कि मैं एक जो टीवी शो कर रहा था कौन बनेगा करोड़पति, उसमें बहुत से ऐसे हॉट सीट पर महिलाएं आती थीं जिनके जीवन को उनके बारे में सुन करके मुझे बड़ा अफसोस होता था, एक कई बार क्रोध भी होता था. और जब मैंने उसका वर्णन किया तो यूनाइटेड नेशंस ने मुझे कहा कि आप गर्ल चाइल्ड के एम्बेसडर बन जाइए. तो उसके संदर्भ में भी जब मैं काम कर रहा था तो बहुत सी ऐसी घटनाएं सामने आती थी, तो कहीं ना कहीं मेरे मन के अंदर ये विश्वास था कि इस विषय के ऊपर इस तरह की एक फिल्म बननी चाहिए. सुजीत सर, आपसे भी सवाल है कि बहुत अच्छी फिल्म में मुद्दा जुड़ जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कहानी में कोई ना कोई मुद्दा ज़रूर होना चाहिए, ये मुझे वो भी लगता है. सो सबसे पहले जब ये टोनी ने ये सोचा था कि बंगला फिल्म बनाएंगे, और एक छोटी सी लाइन थी इस कहानी की, तो हम दोनों, मैं और रॉनी जो मेरे प्रोड्यूसर, हमने बहुत दिन बैठे रहे इस आइडिया पे. फिर बहुत दिन बाद हमने सोचा कि नहीं, इस पे एक फिल्म बनना चाहिए. मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ मेरे वाइफ के साथ, जब उन्होंने कहा कि कुछ मुझे कहा एक दिन कि ऐसे हम लोग चाय पी रहे थे बैठ के. मैं बहुत बार बता चुका हूँ, मैं और एक बार बता देता हूँ कि ऐसे ही हम लोग चाय पी रहे थे बैठ के, और उन्होंने कहा कि आज हम इस मॉडर्न वर्ल्ड में बैठे हुए हैं, इस इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, और हम साथ में वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, इससे बड़ी शर्मनाक चीज़ क्या हो सकती है. सो वो मुझे दिल में बहुत चोट लगी, मुझे इंसल्ट फील हुआ मेरे वाइफ के सामने, मेरे को एज अ मैन आई एम स्टैंडिंग देयर, बहुत गिल्ट हुआ मुझे. और मैंने मन में उसमें सोचा था कि मैं रॉनी को बोला कि लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस. फिर और हम सबके पास ही, ऐसा तो नहीं है हम मर्द ऐसे कहीं भगवान ने हमको फेंक दिया, ये लो मर्द तुम जाओ हिंदुस्तान पहुंच जाओ या अर्थ में पहुंच जाओ. हम सब कहां से निकले हैं जो सर बोलते हैं, हम कहां, हमारी भी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे भी दोस्त हैं यार, कहीं ना कहीं दिल में तो चोट लगता ही है. अब ये कोई इशू नहीं है कि हम आसपास रोज़ देखते हैं, और मुझे लगता नहीं कि मेरे में कोई नया सा कुछ आइडिया आया होगा, ये आप लोग भी रोज़ देखते हो, आपके मन में भी आता होगा, आपको भी गुस्सा आता होगा शायद, आप भी शायद आपके साथ में कोई लड़की ऑफिस में काम करती है उसको अगर कोई इस नज़र से देख लें तो कैसे लगेगा आपको. तो हमको भी वैसी फीलिंग हुई, बनाऊंगा किसी अगर कोई इशू जुड़ जाएगा किसी कहानी के साथ. मेरा काम था ऑडियंस को 2 घंटे बिठा के रखना, आजकल वही बड़ा बहुत बड़ा काम है कि 2 घंटे किसी को बिठा दो हॉल के अंदर. सो आई थिंक हमने वो बिठा भी दिया, उन्हें रुला भी दिया, और सोचने में मजबूर कर दिया, इससे बड़ी बात.